नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री आलोक की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल कुल आय ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग साधनों से आय दी गई है, हानियां दी गई हैं। पहला है प्राप्त वेतन 86,000 रुपये, अल्पकालीन पूंजी लाभ हुए हैं 40,000 के, दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है 50,000 रुपये की, कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त हुआ है 20,000 रुपये का। ये कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज, तो ये सकल ब्याज दिया गया है 20,000 रुपये। अगर लिखा होता कंपनी के ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज, तब हमको ये शुद्ध ब्याज होता और उस शुद्ध ब्याज को सकल करना पड़ता, लेकिन कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज लिखा है, इसका मतलब 20,000 रुपये सकल राशि है ब्याज की। पांचवा है, मुंबई में घुड़दौड़ के घोड़े रखने से लाभ 30,000 रुपये, दिल्ली में घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हानि 20,000 रुपये। तो घुड़दौड़ रखने की हानि को घुड़दौड़ के घोड़े रखने के लाभों से सेट ऑफ किया जा सकता है। सातवां है, ह्रास कटौती से पूर्व व्यापार से लाभ 30,000 रुपये। व्यापार से लाभ दिए गए 30,000 रुपये के, लेकिन इनमें से डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं की गई है। आठवां दिया गया, किराए पर दिए गए मकान की हानि, मकान संपत्ति से हानि है 1,00,000 रुपये की। चालू वर्ष का ह्रास और जो करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन दिया गया है 10,000 रुपये का। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित निर्यात व्यापार से हानि। तो सकल कुल आय ज्ञात करनी है इन सूचनाओं के आधार पर। कंप्यूटेशन दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री आलोक फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अमाउंट, पर्टिकुलर्स। पहला शीर्षक है वेतन से आय, तो इनको वेतन प्राप्त हुआ है 86,000 का, 86,000 रुपए का इनकम फ्रॉम सैलरीज 86,000 की, जिसमें से मानक कटौती दे दी जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, या वेतन की कुल आय दोनों में से जो राशि कम हो उसके बराबर की मानक कटौती दी जाती है। तो 50,000 रुपये की मानक कटौती दे दी जाएगी, उसके बाद इनकी वेतन की आय बचती है 36,000 रुपये। अब वेतन की आय से, वेतन की आय में से पूंजी लाभों को नहीं घटाया जाता, पूंजी लाभों की पूर्ति, पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत अगर कोई हानि हुई है तो उसकी पूर्ति वेतन की आय में से नहीं की जा सकती। इसके अलावा मकान संपत्ति से आय और जो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत अगर हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति वेतन से आय में से, वेतन की आय में से की जा सकती है। व्यापार की अगर हानि होती है तो व्यापार की हानि को भी वेतन की आय में से नहीं घटाया जा सकता। यानी कि वेतन की आय के अलावा जो अन्य चार शीर्षक हैं उनमें से केवल दो शीर्षकों में अगर हानि होती है तो उस हानि को वेतन की आय में से पूर्ति की जा सकती है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि और अन्य साधनों से आय शीर्षक की हानि को वेतन की आय में से पूर्ति की जा सकती है, वेतन की आय में से सेट ऑफ किया जा सकता है। व्यापार की हानि को और पूंजी लाभ शीर्षक की हानि को वेतन की आय में से पूर्ति नहीं की जा सकती। तो मकान संपत्ति से हानि हुई है 1,00,000 रुपए की। आठवां पॉइंट है, किराए पर दिए गए मकान की हानि, 1,00,000 रुपए की हानि हुई है, तो 1,00,000 रुपए की हानि को वेतन की आय में से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ, तो हाउस प्रॉपर्टी का 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ है, जिसमें से 36,000 रुपए के लॉस वेतन की आय में से सेट ऑफ कर दिए जाएंगे और सकल कुल आय में जो वेतन की आय शामिल होगी वो होगी निल। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुई है वो हुई है 90,000 रुपए की हानि हुई है।
इस 90,000 रुपए की हानि को सेट ऑफ किया गया, पहले तो सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, जो वेतन की आय है 36,000 रुपए उससे इसको सेट ऑफ किया गया, सॉरी 1,00,000 रुपए की हानि हुई है, मकान संपत्ति से हानि हुई है 1,00,000 रुपए की। तो 1,00,000 रुपए की हानि को पहले तो सेट ऑफ किया जाएगा सैलरी की आय से, वेतन की आय से, तो 1,00,000 में से 36,000 माइनस कर देंगे तो 64,000 रुपए की हानि अब भी बचती है। इस 64,000 की हानि को अब सेट ऑफ किया जाएगा, जो दो नंबर पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी और तीसरा है व्यापार अथवा पेशे से आय। तो व्यापार अथवा पेशे की आय जो है उस आय से इस हानि को सेट ऑफ किया जाएगा, मकान संपत्ति की हानि को। तो ह्रास कटौती से पूर्व व्यापार से लाभ है 30,000 रुपए के और चालू वर्ष का ह्रास है 10,000 रुपए, तो व्यापार से आय है 20,000 रुपए की। तो सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस प्रॉफिट, व्यवसाय से जो लाभ हुआ है उससे भी इस मकान संपत्ति की हानि को सेट ऑफ किया गया है, और व्यवसाय से लाभ हुआ है 30,000 के लाभ हुए हैं ह्रास की कटौती से पूर्व, तो चालू वर्ष की ह्रास की कटौती दे दी जाएगी सबसे पहले, किसी भी हानि की पूर्ति करने से पहले चालू वर्ष के ह्रास की कटौती दी जाती है, तो 10,000 रुपए की ह्रास की कटौती दे दी जाएगी। तो व्यापार से शुद्ध लाभ है 20,000 रुपए के, तो 20,000 रुपए के जो व्यापार से लाभ हुए हैं उनसे मकान संपत्ति की हानि को सेट ऑफ किया जाएगा। इसके बाद भी 44,000 रुपए की हानि बचती है। चौथा शीर्षक है कैपिटल गेन, तो सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं, अल्पकालीन पूंजी लाभ है 40,000 रुपए का, तो इस मकान संपत्ति की 44,000 रुपए की शेष रही हानि को अल्पकालीन पूंजी लाभों से इसका सेट ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद भी 4,000 रुपए की हानि बचती है, और इस 4,000 रुपए की हानि को सेट ऑफ कर दिया जाएगा, ये कंपनी के ऋण पत्रों पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है उससे, कंपनी के ऋण पत्रों पर 20,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, कंपनी के ऋण पत्रों पर जो ब्याज है इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स 20,000 रुपए का ब्याज है, जिसमें से 4,000 रुपए के लाभों से ये मकान संपत्ति की हानि को सेट ऑफ कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से मकान संपत्ति की हानि निल हो जाएगी, मतलब मकान संपत्ति से जो 1,00,000 रुपए की हानि हुई है उसकी पूरी पूर्ति कर ली गई है, और मकान संपत्ति से किसी प्रकार की आय को सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मकान संपत्ति से जो हानि होती है उसको किसी भी शीर्षक की आय से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। इसलिए मकान संपत्ति की हानि को हमने वेतन की आय से सेट ऑफ किया, फिर जो शेष रही राशि उसको हमने व्यापार के लाभों से सेट ऑफ किया, उसके बाद भी जो राशि शेष रही उसको हमने पूंजी लाभों से सेट ऑफ किया, और उसके बाद शेष बची राशि को हमने जो है अन्य साधनों से आय शीर्षक से सेट ऑफ किया है। जो तीसरा शीर्षक है वो है इनकम फ्रॉम, तीसरा शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो 30,000 रुपए के व्यापार से लाभ हुआ है, जिसमें से डेप्रिसिएशन घटाया हुआ नहीं है तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे, डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए के डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में व्यापार के लाभ हैं 20,000 रुपए के, जिसमें से हमने हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सेट ऑफ कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी लॉस इसको हमने सेट ऑफ कर दिया था 20,000 रुपए के हाउस प्रॉपर्टी लॉस को। तो व्यापार अथवा पेशे की कोई भी आय सकल कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में है इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ हुए हैं,
और इसी शीर्षक के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी हानि भी हुई है। लेकिन दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ से नहीं। इसलिए दीर्घकालीन पूंजी हानि को हमने यहां पर अल्पकालीन पूंजी हानि से सेट ऑफ नहीं किया है। और अल्पकालीन पूंजी लाभ हुए हैं 40,000 के, और इन अल्पकालीन पूंजी लाभों में से हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सेट ऑफ कर दिया गया। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ, तो 40,000 रुपए के जो मकान संपत्ति से हानि थी उसको हमने सेट ऑफ कर दिया, और अल्पकालीन पूंजी लाभों की कोई भी राशि सकल कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। और जो लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी कैरी फॉरवर्ड, इसको आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि जो दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है उसको केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, तो इस वर्ष किसी प्रकार के दीर्घकालीन पूंजी लाभ नहीं हुए हैं, इसलिए जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है इसको आगे ले जाया जाएगा। दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है 50,000 रुपए की, इसको आगे ले जाया जाएगा। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें एक तो इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर 20,000 रुपए ब्याज की आय थी, जिसमें से हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ किया गया 4,000 रुपए का, तो 16,000 रुपए की आय सकल कुल आय में शामिल की जाएगी। जो ब्याज प्राप्त हुआ है कंपनी के ऋण पत्रों से उसमें 16,000 रुपए सकल कुल आय में शामिल किए जाएंगे उसमें से। और एक हुआ है जो घुड़दौड़ के घोड़े रखने से लाभ हुआ है, प्रॉफिट्स फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेज, घोड़े रखने से 20,000 रुपए का लाभ हुआ है। मुंबई में घोड़े रखने से 30,000 रुपए का लाभ हुआ है, और दिल्ली में घोड़े रखने से 20,000 रुपए की हानि हुई है। तो घुड़दौड़ के घोड़े रखने से अगर हानि होती है तो इस हानि की पूर्ति केवल घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हुए लाभों में से की जा सकती है, तो इसकी हानि की पूर्ति कर ली जाएगी। लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेस 20,000 रुपए की हानि इसमें से सेट ऑफ कर ली जाएगी, और 10,000 रुपए की जो आय है वो सकल कुल आय में शामिल कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से वेतन की आय शून्य, किसी प्रकार की वेतन की आय सकल कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि 36,000 की वेतन की आय थी जिसमें से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेट ऑफ कर लिए गए। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हुए थे 1,00,000 रुपए के, जिसमें से जिसको हमने सेट ऑफ किया एक तो सैलरी इनकम से, फिर बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ किया, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया, और इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर से हमने सेट ऑफ किया। इस प्रकार से 1,00,000 रुपए की पूर्ति कर ली गई। फिर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हुआ था, 30,000 रुपए का व्यवसाय से हानि लाभ हुआ था, जिसमें से 10,000 रुपए का मूल्यह्रास घटा दिया गया, तो 20,000 रुपए के शुद्ध लाभ हुए। 20,000 रुपए के लाभों में से हमने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर दिया, इसलिए जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसकी कोई भी राशि सकल कुल आय में शामिल नहीं की गई। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 40,000 रुपए का, जिससे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेट ऑफ कर लिए गए, तो किसी प्रकार की इनकम सकल कुल आय में शामिल नहीं की गई कैपिटल गेन की। और कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था, 50,000 रुपए का, जिसको आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष इसकी पूर्ति नहीं की जा सकी, क्योंकि इस वर्ष किसी प्रकार के दीर्घकालीन पूंजी लाभ नहीं थे।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक तो कंपनी के ऋण पत्रों से ब्याज प्राप्त हुआ 20,000 रुपए का, जिसमें से 4,000 रुपए के हाउस प्रॉपर्टी लॉसेज को सेटअप कर दिया गया और बाकी के 16,000 रुपए सकल कुल आय में शामिल कर लिए गए। और एक प्रॉफिट्स फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेज, मुंबई में घुड़दौड़ के घोड़े रखने से लाभ हुआ था 30,000 रुपए का और दिल्ली में घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हानि हुई थी 20,000 रुपए की। तो मुंबई में जो घोड़े रखने से जो लाभ हुआ था उसमें से दिल्ली में घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हुई हानि को हमने सेट ऑफ कर दिया और 10,000 रुपए की आय को हमने सकल कुल आय में शामिल कर लिया। तो कुल मिलाकर जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हुई है 26,000 रुपए की। तो श्री आलोक की सकल कुल आय है 26,000 रुपए की और श्री आलोक के जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है 50,000 रुपए की, उसको आगे ले जाया जाएगा, आगे के वर्षों में इसको सेट ऑफ किया जाएगा दीर्घकालीन पूंजी लाभों से। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।